हेलो फ्रेंड्स, संगीताज फ्लेवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सांवर और छोले मसाला पाउडर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मला मसाला पाउडर आप घर पर ही आसानी से बिल्कुल मार्केट जैसा बना सकते हैं, बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी एंड फ्रेश। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सांभर मसाला पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब मैं इसमें एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ, एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच राई, एक चम्मच चना दाल, एक चम्मच उड़द दाल। इन दालों को मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। और चौथाई चम्मच मेथी दाना, 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं, और ये कुछ टुकड़े सूखे हुए नारियल के हैं, और ये 4 से 5 सूखी लाल मिर्च हैं। इनको भून लेंगे हम। गैस की फ्लेम मीडियम कर लें। बस हमको इतना भूनना है कि दाल और जो मसाले हैं इनका मॉइस्चर निकल जाए। अब मैं इसमें कुछ करी लीव्स डालूंगी। सांभर मसाला पाउडर में करी लीव्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर डालें। ये देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं, दाल का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा पिस चुका है, आप देख सकते हैं। तैयार है हमारा सांभर मसाला पाउडर। इसको आप एक एयर टाइट जार में भरकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब हम छोले मसाला पाउडर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच अनारदाना पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच काला नमक, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मसाले पिस चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 पिंच हींग डालेंगे। इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं।
लीजिए, ये भी हमारा छोले मसाला पाउडर तैयार हो चुका है। इसे भी आप एक एयर टाइट जार में भर कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी होममेड मसाला बनाने की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।